की औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया, सतन काटे गए तथा पुरुषों पर तलवारों व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से हमले किए, जिसमें घायल औरतें एवं पुरुष कई महीने तक अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराते रहे। गांव में स्थित गुरु रविदास जी की मंदिर में स्थापित श्रोमणी की मूर्ति को खंडित करके अनेकों लोगों ने पेशाब करके अपवित्र किया। परंतु दुख की बात है कि सरकार ने आतंकियों के खिलाफ उचित धाराओं में FIR दर्ज करने की जगह नहीं की, जो मामूली धारें लगाकर कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, उन्हें भी क्लोजर रिपोर्ट लगाकर छोड़ दिया। इतनी भयंकर त्रासदी को पुलिस या प्रशासन के मौके पर मौजूद होने के बावजूद भी आपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और मौके पर मौजूद किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपने कर्तव्य का निर्वाह न करने के लिए FIR दर्ज ही नहीं की। बड़े शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुर का पक्ष लेती रही और दलित समाज के लोगों के साथ न्याय का व्यवहार ही नहीं किया। देश के दलितों ने इस जघन्य कांड की अच्छी तरह से समीक्षा की है और पाया है कि देश में उनके साथ जुल्म हो और संस्कार मुख दर्शक भूलकर बैठे रहे तथा न्याय को ताक पर रख देते हैं, तो उसका असर भविष्य में देखने को मिलेगा एवं देश के लिए अच्छा संकेत साबित होने वाला नहीं है। सरकार का फर्ज होता है कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे तथा पीड़ित पक्ष को न्याय देने की भरसक कोशिश करे। जो लोग हमले में हताहत हुए हैं, घर जले हैं एवं सभी सामान या तो लूट लिया या क्या हवाले कर दिया, इस पर भी सरकार के उच्च संज्ञान नहीं लिया तथा नाइंसाफी करते हुए सरकार ने किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की। सरकार के लिए इससे बड़े शर्म की बात और हो ही नहीं सकती। दिनांक 9 मई 2017 को दलित समाज के लोगों ने न्याय की मांग करने, पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने एवं हमलावरों को उचित धाराओं में FIR दर्ज करा के गिरफ्तारी की मांग करने एवं सहारनपुर में जिलाधीश को ज्ञापन देने के उद्देश्य से क्षेत्र के दलित वर्ग के लोग रविदास छात्रावास सहारनपुर इकट्ठे हुए थे, परंतु पुलिस प्रशासन ने जिलाधीश को ज्ञापन देने की नहीं दिया बल्कि उन पर भयंकर लाठीचार्ज करके तितर बितर करने की कोशिश की। इस विरोध में हम आप चंद्रशेखर आजाद को विभिन्न थानों में लगभग 22 संयुक्त 6 मामलों के झूठे मामलों में FIR दर्ज करके जेल में रखा गया है। अदालत ने जमानत अर्जी पर संज्ञान लेते हुए सभी मुकदमों में 2 नवंबर 2017 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अंतिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली और चंद्रशेखर आजाद को निर्दोष समझते हुए रिहा करने का आदेश जारी किया, परंतु आपकी सरकार ने दलित विरोधी रुख अख्तियार करते हुए उन्हें अगले दिन अर्थात 3 नवंबर को रिहा करने के बजाय उन पर रासुका लगा दी, जिसका समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया। इंसाफ पसंद लोगों ने इस कार्य की खुले तौर पर वर्तनाशा की है कि भाजपा सरकार में दलित समाज को न्याय नहीं मिल सकता। पूरे देश के दलित वर्ग में इस कृत्य के लिए रोष व्यक्त है। श्री चंद्रशेखर आजाद भयंकर बीमारी से भी पीड़ित चल रहे हैं, जिनको कि किसी बड़े सुविधाजनक अस्पताल में इलाज की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी कार्रवाई को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता और भारतीय संविधान का सीधा उल्लंघन तो है ही, संविधान का मजाक भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपनी तुच्छ सोच को बदल कर इंसाफ की तरफ अग्रसर होवें। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप हर वक्त के प्रत्येक प्राणी के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार एवं समान न्याय करें। हम लोग आपके द्वारा लिए जा रहे दलित विरोधी फैसलों से क्षुब्ध हैं और जो आपने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है, जो कि दलित विरोधी ही है। हम इस देश के आज़ाद नागरिक हैं। भारतीय संविधान किसी भी प्रकार के भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। हम कानून के मानने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर संविधान का उल्लंघन कर रही है तथा संविधान के मर्यादा को भी भंग कर रही है। याद रहे, इस संविधान ने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है।
हम भारतीय संविधान का पूर्णतः पालन करते हैं। जिस दिन संविधान के मर्यादा को तोड़ा जाएगा या कानून का राज्य समाप्त किया जाएगा या संविधान को बदलने की कोशिश होगी, यह कोशिश उच्च वर्ग के लोगों के लिए ही घातक साबित होगी। यदि दलित व अन्य गरीब वर्ग संविधान को मानना छोड़ देगा तो याद रख लीजिए, तो उस दिन उच्च वर्ग के लोग अपने ही देश में असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं एवं उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के साथ निष्पक्षता से पेश आना आपका पहला धर्म है। यदि आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आप अपने उत्तर प्रदेश में शांति कायम नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद के मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना अवहेलना करके रासुका लगाना किसी भी प्रकार से कानून सन्नत नहीं है। आपके द्वारा दिए गए इस गैर कानूनी कदम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों की अवमानना हुई है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए श्री चंद्रशेखर आज़ाद को रासुका हटाकर अविलंब रिहा करें। श्री चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाई गई रासुका अमानवीय गैर कानूनी एवं षड्यंत्रकारी है। इस लगाई गैर वाजिब रासुका को तुरंत हटाकर न्याय का पालन करें। धन्यवाद। सहित जय भगवान जाटव, मुख्य संरक्षक भीम आर्मी। धन्यवाद। यही हम देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, अपने उत्तर प्रदेश में इसलिए इकट्ठे हुए हम जिले।